कौन कौन मंत्रालय मिला है? मुर्गी मछली पाले वाला मंत्रालय खुश न है। अरे भैया काम लायक दीजिएगा तब ना, कोई मंत्रालय छोटा तो नहीं। मंत्री खुश है, चिराग पासवान खुश है, उधर लल्लन सिंह खुश है। चिराग पासवान खुश नहीं होंगे, भाजपा वाला कहता है परिवारवाद। रामविलास पासवान जी खाद्य मंत्री, उनका भाई खाद्य मंत्री, अब चिरागो पासवान खाद्य मंत्री, तो खुश नहीं होगा। बाप खाद्य मंत्री, बेटा खाद्य मंत्री, चाचा खाद्य मंत्री, और कोई मंत्रालय नहीं था। अरे मांझी जी क्या खुश रहेंगे भैया, उनको मिल गया, उनका मुंह में जीरा का फोरन पड़ गया तो अपना खुश है, लेकिन बिहार को इससे क्या फायदा होगा? नई सरकार से क्या उम्मीद है? नई सरकार से यही उम्मीद है कि पिछले बार 2019 में 40 में 39 सीट देने का काम किया था बिहारी, इस बार 30 या 29 सीट आपको देने का काम किया है। ठीक है, आप बिहार के लिए कुछ सोचिए। पहले तो नीतीश बाबू से निवेदन करते हैं कि आप बिहार के विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। उतना दिन 17-18 साल 2004 से बैठे में आपको मौका नहीं मिला है, लेकिन अभी केंद्र में आप जा चुके हैं, बहुत बढ़िया मौका है। क्या कि आने वाले वर्तमान में 2025 का चुनाव है, ठीक है, वो चुनाव का सामना आपको करना है। नीतीश जी केंद्र में लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बन चुकी है, तो हम पटना जंक्शन पे बिहार के लोगों को नई सरकार से क्या उम्मीदें हैं, बिहार के लोगों से ही जानेंगे क्या कुछ उम्मीदें हैं इस नई सरकार से। देखिए उम्मीद तब होता है जब सरकार कुछ किया होता है। सरकार बिहार के लिए क्या किए 10 सालों में? तो नहीं कुछ किए तो कोई उम्मीद नहीं, लेकिन फिर उम्मीद पाले हुए हैं। लेकिन ललन बाबू मंत्री बने, चिराग पासवान जी मंत्री, तो कुछ ना कुछ करे लो। 8 दिग्गजों को मौका। अरे कौन कौन मंत्रालय मिला है? मुर्गी मछली पाले वाला मंत्रालय यूपीए का सरकार था, तो रेलवे मंत्रालय बिहार को दिया गया था। खुश ना है? अरे भैया काम लायक दीजिएगा तब ना, कोई मंत्रालय छोटा तो मंत्री खुश है, चिराग पासवान खुश है, उधर लल्लन सिंह खुश है। चिराग पासवान खुश नहीं होंगे, भाजपा वाला कहता है परिवारवाद। रामविलास पासवान जी खाद्य मंत्री, उनका भाई खाद्य मंत्री, अब चिरागो पासवान खाद्य मंत्री, तो खुश नहीं होगा। बाप खाद्य मंत्री, बेटा खाद्य मंत्री, चाचा खाद्य मंत्री, और कोई मंत्रालय नहीं था। अरे मांझी जी क्या खुश रहेंगे भैया, उनको मिल गया, उनका मुंह में जीरा का फोरन पड़ गया तो अपना खुश है, लेकिन बिहार को इससे क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं होने वाला। मंत्री हैं बिहार के, मोदी कैबिनेट में जगह मिली। अरे पहले भी मंत्री थे, राज्य मंत्री थे, क्या किए बिहार के लिए? पंचायती राज और मत्स्य पालन में जो भी ललन जी के पास वही मंत्री, उनके पास तो क्या किए उसमें? अब कपड़ा मंत्री में बिहार के लोग को कपड़ा पूरा पहनाइए। नित्यानंद राय जी मंत्री थे कि राज्य में क्या क्या बिहार में हुआ उसको बताइए, तो कुछ नहीं हुआ था। अभी उम्मीद नहीं किया जा सकता कि होगा, लेकिन नीतीश बाबू है तो उम्मीद है। नीतीश बाबू ने पहले मांगा कि वो अग्निवीर को खत्म करने का, नीतीश जी के फैसला का हम स्वागत करते हैं, लेकिन इससे पहले पहले सबसे पहले कांग्रेस के नेताओं को फैसला मान्य करना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी है कांग्रेस में, सब मंच बजा रहा है, कहा कि हमारा सरकार आएगा तो अग्निवीर के फाड़ के कूड़ादान में फेंक देंगे। बहुत अच्छा बात है भैया, अग्निवीर को तो एकदम खत्म होना चाहिए। जब हम केसी त्यागी का ये बात सुने बहुत मन खुश हुआ कि चलिए कोई तो अच्छा बोल रहा है। उम्मीद क्या है नई सरकार से ये बताइए। नहीं देखिए बिहार के लिए विशेष पैकेज, विशेष राज्य का दर्जा, जो नीतीश जी 17 साल से बोल रहे विशेष राज्य का दर्जा, विशेष अब सरकार भी आपका है, सरकार क्या, सरकार का जो पिलर है वो पिलर आप है, तो कम से कम विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए। नीतीश जी का यूनिवर्सिटी था पटना यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल जाए, बस यही चाहिए। नई सरकार से क्या उम्मीद है? सब मिलेगा, विशेष राज्य का दर्जा भी मिलेगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी बनेगा। ठीक है, बिहार में इतना विकास हो जाएगा कि अगला बार फिर और किसी को वोट उट नहीं मिलेगा, सारा वोट बीजेपी को मिलेगा। ठीक है, अरे यार विकास तो हो रहा है ना, कहना पड़ेगा कि बिहार में समुद्र नहीं है इसीलिए उद्योग कारखाना नहीं लग रहा है। भगवान कहाँ कहीं घर द्वार है भैया, 2005 के पहले आपके गाँव में रोड था, पुल था, पुल था, स्कूल सब टूटल था ना, है सब बना ना इसको। कुछ नहीं, एक बहुत बड़े पैमाने पर यह सरकार कब गिरेगी इसका कोई पब्लिक का अंदाजा भी नहीं है। नीतीश जी गए शपथ ग्रहण में, चंद्रबाबू नायडू का शपथ ग्रहण में नीतीश जी गए हैं, नीतीश जी कखनी पलटी मार देंगे, हल्ला हम लोग करते रहिए ना, नीतीश जी गोटी अंदर अंदर सेक रहे हैं, हम लोग भूलिए नहीं। अब नई सरकार से एक ही उम्मीद है कि पहले लगता था कि एनडीए जितना एग्जाम लेता था उसका पेपर लीक नहीं होता था, अब हमको नई सरकार से यही उम्मीद है कि इसका भी पेपर लीक होगा, इसका भी रिजल्ट में हंगामा होगा। अब हमको मोदी से कुछ अथी नहीं है, कुछ नहीं अब हमको है मोदी से, कुछ हमको बस से नहीं है कि हमको का देना ही आशा है। तो सुनिए ना, हाँ हम देखिए इन लोग जो बताए ना कि जो चोरी किया ना वो चोरी किया, अब इन लोग कह रहे कि मेरा सामान चोरी हो गया, 10 साल बाद वापस कीजिए वापस कीजिए वापस कीजिए, इन लोगों को कुछ पता है? इससे पहले चोरी नहीं होता था, सबसे पहले सरकार किसका था? कांग्रेस का। चोरी करने कौन सिखाया? कांग्रेस।
सबसे पहले चोरी कौन किया? कांग्रेस। मेडिकल के पेपर बताओ कब लिखवा था इसका, पिछले साल बताता। क्या चीज़? मेडिकल का पेपर, मेडिकल का पेपर कब लिखवा था? बताना ना, वही तो पूछ रहा हूं तुमसे। बताना कब लिखवा, कब लिखवा है पता तुमको? कब लिखवा? पूरे इतिहास में पहला बार हुआ, पूरे इतिहास में। नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ, हुआ एक मिनट, पूरे इतिहास में आज 2024 में सेकंड टाइम मेडिकल का पेपर लीक हुआ है। पिछला बार 2015 में हुआ था मेडिकल, जखन AIMPT होता था, ठीक है। पूरे भारत, पूरे इतिहास में भारत की दूसरी बार मेडिकल का पेपर लीक हुआ, उसमें 25 लाख में सीट बेचा गया है, ठीक ना? आप लिए थे क्या? आपसे इनसे पूछेगी भैया लिए ना भैया, सुनिए पहले, लिए नहीं भैया, ऐसे मत बोलिए। अरे सुनिए पहले, सुनिए, अगर नहीं हमको 25 लाख रुपया रहता ना, तो आज यहाँ नहीं भटकते बैग लेके। अच्छा, हम कॉलेज की तैयारी करते एकदम। अच्छा देखे है पता, खाली एक ही को सुनिए पहले, उससे पहले आप खाली नौकरी की बात कर रहे, जंगल राज चल रहा तो नहीं देख रहा था? नई सरकार से क्या उम्मीद, पीछे का छोड़िए अभी। नई सरकार से, नई सरकार से यह उम्मीद है बिहार का विकास होगा और बहुत अच्छे से विकास हो रहा और होगा। आज ठीक है, आज मेट्रो का काम हो रहा ना, बिहार में एम्स बना है ना, और एक एम्स बनने के लिए तैयार हो रहा है, वो भी बन जाएगा। दरभंगा में वहाँ गड्ढा खोद कर छोड़ दिया, मोदी जी बोले चाहिए दरभंगा इलाज करवाइए, मोदी जी इलाज करते हो जाता है। जानकारी कुछ भी नहीं है, अब बोलने के लिए आगे, डिबेट करने के लिए आगे, जानकारी कुछ नहीं है, ठीक है। नई सरकार से क्या उम्मीद है? नई सरकार से यही उम्मीद है कि पिछले बार 2019 में 40 में 39 सीट देने का काम किया था बिहारी, इस बार 30 या 29 सीट आपको देने का काम किया है, ठीक है। आप बिहार के लिए कुछ सोचिए, 2014 से आप सत्ता में बैठे हुए हैं, बिहार के विकास के लिए कुछ सोचिए। पहले तो नीतीश बाबू से निवेदन करते हैं कि आप बिहार के विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। उतना दिन 17-18 साल 2004 से बैठे में आपको मौका नहीं मिला है, लेकिन अभी केंद्र में आप जा चुके हैं, मोदी जी के साथ गठबंधन में जा चुके हैं, बहुत बढ़िया मौका है। क्या कि आने वाले वर्तमान में 2025 का चुनाव है, ठीक है, वो चुनाव का सामना आपको करना है नीतीश जी, ठीक है, वो चुनाव का आपका सामना करना है। जो बिहारी, हम बिहारी हैं, जिस तरह का बिहारी को प्रताड़ित किया जा रहा है अगले स्टेट में, इसी हिंदुस्तान में, विदेश में नहीं, इसी हिंदुस्तान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, ठीक है। तो हम दिखाना चाहते हैं, हमारे नेता से निवेदन करना चाहते हैं कि आप दिखा दीजिए कि बिहारी में वो मेहनत करता है, वो टैलेंट होता है कि जमीन छीन के अनाज पैदा करता है। अगर यहाँ से बिहारी बाहर जाना बंद कर दे तो पूरे हिंदुस्तान के फैक्ट्री में और बड़े बड़े कंपनियों में ताला लगने का काम होगा। चलिए बिहार की जनता के बीच जनता से हमने जाना कि ये जो नई सरकार बनी है केंद्र में, तीसरी बार मोदी की सरकार बनी है, उनसे क्या उम्मीदें हैं, बाकी आप भी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।